मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड पर काम करने का निर्देश। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का आज गुमला के बिशुनपुर का दौरा, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समेत विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज गोमिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रांची में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। और राज्य में फिलहाल मॉनसून कमजोर और बढ़ेगा तापमान, अब तक औसतन 48% कम बारिश, 21 जुलाई को दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर विधि व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर अहम निर्देश दिए। श्री सोरेन ने कहा कि अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की भी जानकारी ली। उन्होंने नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में एक रूपता लाने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज गुमला के बिशुनपुर का दौरा करेंगे। यहां वे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि श्री भागवत राज्य के 10 दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने पिछले दिनों रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष के आग्रह और उपक्रमों पर विमर्श हुआ था, साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई थी। भाजपा का राज्यव्यापी सांगठनिक कार्यक्रम अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा जारी है। आज भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गोमिया में, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मांडू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इधर कल भी कई स्थानों पर अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा में सांसद मनीष जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हुआ था उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और हम सब जानते हैं कि उस समय वोट कैसे होता था, लेकिन आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, हम कैमरा के स्कैनर में रहते हैं, वैसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री का कुर्सी दिलवाना ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इधर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सोशल मीडिया और आईटी विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और सांसद आदित्य प्रसाद साहू भी मौजूद थे। रांची में 20 जुलाई को भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और सांसद आदित्य साहू समेत अन्य नेताओं ने कार्यक्रम स्थल प्रभात तारा मैदान पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया।
इस बीच भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी हैं, उनसे बात करें सर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। देखिए, हमारा देश में असम और बंगाल पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठी से प्रभावित था। अभी घुसपैठियों ने बड़ा संख्या में झारखंड में आना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये चिंता का विषय। कानून को देश में है, लेकिन पुलिस को डिटेक्शन और डिपोर्टेशन करना पड़ेगा। राज्य में सर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये एक प्रदेश है जिस प्रदेश का राज्यसभा का सांसद का घर से 300 करोड़ रुपया का बरामद होता है, मंत्री का घर से 35 करोड़ रुपया का बरामद होता है, छोटे मोटे संख्या का बाद में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो यही एक बड़ा प्रमाण है कि झारखंड में भ्रष्टाचार कैंसर जैसा बीमारी जैसा हो चुका है। ईडी के लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता है। देखिए, ईडी और सीबीआई को अपना काम करना चाहिए। संस्था अगर दुर्बल हो जाएगा तो फायदा किसका होगा? करप्ट लोगों का ही तो होगा। अगर कल ईडी सीबीआई देश में नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ तक जाएगा, एक बार आप खुद ही सोच लीजिए। ये थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा, जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज रांची। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। सरकार द्वारा महिला हित और महिला कल्याण को लेकर लगातार प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आधी आबादी सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं में भारत के सामाजिक आर्थिक स्थिति को नया आकार देने की जबरदस्त क्षमता है। सरकार का अगर पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो अधिकतर योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिलाएं होती हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त नारी के जरिए समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है और इस सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से उतारा भी है। गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई में खाना बनाते वक्त धुएं से मुक्ति दिलाने के मकसद से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसका फायदा ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में रहने वाले बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिला। देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की, जिसके चलते राष्ट्रीय लिंगानुपात पहली बार सुधर कर 1020 हुआ। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है तो वहीं दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1,80,000 से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए। वहीं मुद्रा लोन योजना के जरिए नवंबर 2023 तक कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़ महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर तक 3.2 करोड़ खाते सक्रिय हैं। अपने शहर से बाहर जाकर कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से कामकाजी महिला छात्रावास योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत सरकार कामकाजी महिलाओं को गांव, कस्बा, शहर और बड़े शहरों में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने लखपति दीदी योजना के बारे में बताया कि महिला लाभार्थियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं।
ये सरकार के दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य का ही परिणाम है, जिसके तहत नीतिगत पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा निर्धारित किया गया। भारत की विकास यात्रा महिलाओं के सशक्तिकरण से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने नारी सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। आने वाले बजट में उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं को विभिन्न चरणों में सहायता देने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों में और बढ़ोतरी होगी। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। इधर लोकसभा में पेश होने वाले आम बजट को लेकर राज्य के लोग भी काफी आशान्वित हैं। अधिवक्ताओं को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। काफी आशाएं और अपेक्षाएं हैं इस सरकार से कि अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा, मृत्युपरांत लाभ, एफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं का लाभ के साथ साथ सरकार के विभिन्न योजनाओं में अधिवक्ताओं को जोड़कर उन योजनाओं का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अलग से एक विशेष राशि का आवंटन करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिवक्ताओं के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। नीट यूजी परीक्षा मामले में सीबीआई अनुसंधान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। तीनों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि तीनों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और तीनों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं और सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिए हैं। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्य से अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुँचाने का काम किया। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सफलता भी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने जिले के कोल्हान और सारंडा के बीहड़ जंगलों में सर्च अभियान चलाया। इस क्रम में मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की गई। इधर मादक पदार्थों के खिलाफ भी विभिन्न स्तरों पर अभियान चल रहा है। रांची में आरपीएफ की फ्लाइंग टीम ने गांजा की बड़ी खेप को बरामद किया है। दरअसल टीम द्वारा संबलपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध स्थिति में पाया गया। तलाशी के क्रम में लगभग 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने आज देवघर स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावन के महीने में विशिष्ट जनों की पूजा के कारण आम भक्तों को काफी परेशानी होती है, जिसके मद्देनजर उन्होंने सावन से पहले ही बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। रक्षा राज्य मंत्री सर रांची के सांसद संजय सेठ की मौजूदगी में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार आज फिर खोले जाएंगे। 14 जुलाई को भी रत्न भंडार खोला गया था।
जब 1978 में पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना खोला गया था तो उस वक्त रत्नों और आभूषणों की गिनती में 72 दिन लगे थे। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम धन धान्य से परिपूर्ण रहा है। मंदिर का रत्न भंडार अमूल्य निधियों से भरा हुआ है, जिसमें बेशकीमती रत्न आभूषण, दुर्लभ धातुओं की मूर्तियां, सोने चांदी की मुद्राएं, मुकुट और तमाम अन्य अलंकार इसमें शामिल है। और अब आज इसे दोबारा से खोला जाएगा, जहां रत्नों की गिनती के दौरान एक एक कर खजाने की निधियों की जानकारी लोगों के सामने आएगी। तो आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का जो ये रत्न भंडार है, ये आज फिर से खोला जाएगा और आखिर कितना रत्न वहां पर इकट्ठा हुआ है उसकी जानकारी सभी लोगों तक दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गोव इंडिया फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और अन्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सह रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री सेठ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पहाड़ी बाबा से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, मेरी अनंत शुभकामनाएं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफिजुल हसन ने मधुपुर के केला बागान स्थित अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। विधायक कल्पना सोरेन ने रांची स्थित आवास में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नीति आयोग का सदस्य बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने रांची में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर कुछ देर बातचीत हुई। चतरा के डंडवा प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों के बीच मक्का बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और किसान मित्र समेत अन्य लोग मौजूद थे। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रंगदारी मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी राइफल और रंगदारी से वसूल किए गए 1,20,500 रुपये बरामद किए हैं। पलामू के पाटन प्रखंड अंतर्गत मेराल पंचायत भवन में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अहम टिप्स दिए गए, साथ ही उन्हें कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल मॉनसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की 48% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। 21 जुलाई को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोडरमा के सदगावा प्रखंड के सकरी नदी पर बने पुल के एक पिलर के धंसने का खतरा बढ़ गया है। कोडरमा में तंत्र की लापरवाही का एक मामला प्रकाश में आया है। जिले के सदगावा प्रखंड के सकरी नदी पर बने पुल के एक पिलर के धंसने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल निर्माण के समय से ही एक पिलर में खामियां थी, जिसे आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद उसी पिलर में और अधिक धंसान होने से पुल के बीचों बीच दरार का गैप बढ़ गया है और पुल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से नीचे हो गया है। 18 से 20 हजार की आबादी वाला यह पुल 10 वर्षों के अंदर
इसकी स्थिति इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई है कि अब स्थिति इतना भयावह हो गया कि कभी भी पुल यह धस सकता है, टूट सकता है। यह पुल सतगावा प्रखंड के 3 पंचायत को जोड़ता है, जबकि गिरिडीह के गावा और बिहार के कोवाकोल जाने का रास्ता भी इसी पुल से होकर गुजरता है। पुल पर हालांकि अभी तक आवाजाही नहीं रोकी गई है। पुल के एक पिलर के धसने की सूचना के बाद उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मामले को संज्ञान में लिया है और टीम बनाकर जांच कराने की बात कही है। हाँ, उसको हम लोग इमीडिएटली चेक करवा लेते हैं, क्योंकि बरसात का भी मौसम है तो इस तरह से पुल अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। तो उसको इमीडिएटली आज हम लोग कार्यकारी एजेंसी से जांच करवा लेते हैं और इमीडिएटली जो उसमें करना होगा वो करा लिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुल की मरम्मती का कार्य यथाशीघ्र शुरू होगा और आवागमन पूर्व की भांति सुचारू तरीके से चलता रहेगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 18 जुलाई वर्ष 1918 में नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में हुआ था। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किया जाता है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को 27 सालों की कैद भी हुई। वर्ष 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। मई वर्ष 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। और अब बात कारोबार जगत की। 30 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ग्लेन फार्मा की दवाई जेनेरिक टॉपरामेट कैप्सूल जल्द ही अमेरिका के बाजारों में उपलब्ध होगी। अमेरिका के हेल्थ रेगुलेटर USFDA ने इस दावे को मंजूरी तो दी है। टॉपरामेट कैप्सूल मिर्गी जैसे गंभीर दौरे के इलाज में रामबाण साबित होती है। ग्लेन फार्मा ने शेयर बाजार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। प्लेटिनम और दूसरी धातुओं से मिलाकर बनाई गई चीजों की आड़ में कम आयात शुल्क चुकाकर गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है। इन एलॉय प्रोडक्ट्स को गलाकर सोना निकाला जा रहा है और उसे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस संबंध में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है कि जिन चीजों में 5% से अधिक गोल्ड मिला हो उनके लिए गोल्ड कंटेंट के हिसाब से अलग इम्पोर्ट ड्यूटी तय की जाए। सोयाबीन डी ऑयल्ड केक DOC के निर्यात में उछाल के कारण जून में भारत का DOC निर्यात 20% बढ़कर 3,35,196 टन हो गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEA ने DOC के निर्यात आंकड़े जारी किए हैं। नीति आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। ये रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दायरे एवं चुनौतियों सहित उसके व्यापक विश्लेषण का परिणाम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड पर काम करने का निर्देश। RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत का आज गुमला के बिशुनपुर का दौरा। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समेत विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज गोमिया में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रांची में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। और राज्य में फिलहाल मॉनसून कमजोर और बढ़ेगा तापमान। अब तक औसतन 48% कम बारिश। 21 जुलाई को दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट।